अब इस काजू कतली का आप टेक्सचर देखिए, बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है और ड्राई भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो आज हम दिवाली स्पेशल काजू कतली बनाने वाले हैं, और वो भी बहुत सरल विधि से और मुख्यतः सिर्फ दो सामग्री में। काजू कतली बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश 250 ग्राम काजू। काजू में क्रंच बना रहना चाहिए, अगर काजू में मॉइस्चर है तो आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो क्रंच आ जाएगा। ऐसा करना मिठाई बनाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि काजू का हमें पाउडर बनाना है, पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो बाजार में 2 तरीके का काजू मिलता है, एक टूटे हुए काजू और एक साबुत काजू। तो टूटे हुए काजू थोड़े सस्ते पड़ते हैं, जिसका आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं आपको प्लेट में गिरा के एक बार दिखा देती हूँ, काफी क्रंच है काजू में। अब हम 2 बार करके मिक्सी में पीसेंगे और एक एक सेकंड में मिक्सी रोक रोक के पीसेंगे। एक बार में हमें नहीं पीसना है, वरना काजू तेल छोड़ देगा। तो मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। पल्स की तरह हमें तो आप देख सकते हैं कि काजू का पाउडर तैयार है और ये पूरी तरीके से ड्राई है, जरा भी काजू ने तेल नहीं छोड़ा है। तो बीच बीच में जिस तरीके से मैंने हिलाना बताया है मिक्सर जार को, उसी तरीके से आप भी कीजिएगा। स्ट्रेनर पे रख के हम छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर काजू छना चुका है और दानेदार काजू ऊपर आ गया है। इसे हम वापस से अभी नहीं पीसेंगे, बाकी का सेकंड बैच भी इसी तरीके से पीस लेते हैं। हमने फिर से पीस लिया है, वापस से 10 सेकंड के लिए हम रोक रोक के एक बार और मिक्सर चला लेते हैं। तो बहुत सारा हमारा काजू का पाउडर तैयार हो चुका है, और ये जो दानेदार हमारा काजू का टुकड़ा बचा है, आप इसे किसी मिठाई की स्टफिंग में या दूसरी मिठाई में, खीर में या पनीर की सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, ग्राम में देखें तो 110 ग्राम चीनी है। चीनी आप 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, तो काजू जितना रहता है दोस्तों उसका 1/2 हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं और चीनी का 1/2 पानी। फ्लेम हमारा मीडियम है, चीनी को घुलने दीजिए। चीनी घुलने लगी है, काजू का अपना ही स्वाद होता है, इसलिए मैं हरी इलायची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। हमें इसे 1 तार की चाशनी तक पकाना है, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें। तो चाशनी में आप देख सकते हैं बबल्स आने लगे हैं और गाढ़ी भी हो गई है। तो अगर आप इस तरीके से गिराएं तो ये काफ़ी गाढ़ी सी आपको दिखे। देखिए 1 तार निकल रहा है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या फिर बंद कर दें, मैं बंद कर दी हूँ। अब हम काजू का पाउडर शुगर सिरप में डालते हैं। हल्के हाथों से मिला लें। अगर चाशनी बहुत तेजी से गाढ़ी होती है, इसलिए ये काम फ्लेम बंद करके ही करें। आप चाहें तो काजू कतली में 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं वाइटनेस के लिए। वैसे बाजार में हलवाई हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो काजू का पाउडर शुगर सिरप में मिल चुका है, अब हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। फिर से मैंने फ्लेम को ऑन किया, कम रखें और 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें, ऐसे चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाइएगा। काफी स्मूथ टेक्सचर आता है घी डालने से, देखिए।
मिला लें और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, यानी डो की तरह ना बन जाए, ये अपने किनारों को ना छोड़ दे। तो काजू को हम जिस प्लेट में निकालेंगे उसमें घी से हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि काजू का मिश्रण चिपके ना। तो ये डो की तरह बनने लगा है, बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। एक और तरीका है कि हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ है कि नहीं, ये काफ़ी गर्म है इसलिए सावधानी पूर्वक थोड़ा सा हाथ में लें और इस तरीके से अगर आप राउंड करें तो देखिए ये कितने अच्छे से ये बॉल बन गया। इसका मतलब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ये तैयार है, फ्लेम को बंद कर दें। काजू के मिश्रण को हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो कितना स्मूथ है, कितने अच्छे से निकल गया। आप बड़े आराम से लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब हमें इसे ठंडा करना है तो ठंडा आपको इस तरीके से चलाते हुए करना है। अगर आप इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा तो ये सख्त हो जाएगा। 5 मिनट इसी तरीके से इसे मिक्स कर लें। हलवाई बड़े से प्लास्टिक में बीच में रख करके, काफ़ी गर्म होता है तो इस तरीके से वो मैश करते हैं, तो वो प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। हाथों में हल्का सा घी लगा लें और अभी भी ये बहुत गर्म है लेकिन ये काम हमें गर्म गर्म ही करना है, मतलब पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है वरना ये बन नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे ये काम करें तो आप देखेंगे कि ये रोल होने लगा है और ज़रूरत पड़े तो हाथ में घी ज़रूर लगाएं वरना ये चिपकेगा। तो डो की तरह बनने लगा है, इसे साइड रखें। अब आप कोई प्लास्टिक या बटर पेपर ले सकते हैं, उसमें हम घी लगाएंगे। बहुतों के पास घर में बटर पेपर नहीं होता है तो इसे आराम से प्लास्टिक में बना सकते हैं और इसी तरीके से एक और प्लास्टिक पे हम घी लगा लेते हैं। प्लास्टिक पे हम काजू का डो रखते हैं, इसे हाथों से इस तरीके से फैला लें, जिस तरफ हमने घी लगाया था उसे नीचे रखें। अब इसे मैं प्लेट से हल्का सा दाब देती हूँ, आप चकले से भी दाब सकते हैं। देखिए बहुत हल्के हाथों से बेलन चलाना है, कस के चलाइएगा तो ये बीच से दब जाएगा। कोशिश करें कि चौकोर बेल पाएं। तो मैं एक बार आपको उठा के दिखाती हूँ तो देखिए कितना परफेक्ट है, बट ये थोड़ा सा मोटा मुझे लग रहा है, इसे और हल्का पतला कर लेते हैं। तो इसे पतला बेल लिया है, पराठे से थोड़ा मोटा है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। प्लास्टिक को हटा लीजिए और इसके ऊपर चांदी वर्क आप लगा सकते हैं आपकी इच्छा। तो बस इसे ले करके एक झटके में पलट दें। पंद्रह मिनट के लिए काजू कतली को हम ठंडा होने के लिए खुले में रखते हैं। 15 मिनट के बाद हम काट लेते हैं। इतना इजीली कट रहा है और बहुत सॉफ्ट बना है, देखिए। तो मैं इसे आपको दाब के दिखाती हूँ तो बिल्कुल बाजार की तरह टेक्सचर है लेकिन ये घर में बना है तो बहुत हेल्दी है, कोई मिलावट नहीं है। तो घर में बना हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं है, बहुत परफेक्ट टेक्सचर आया है दोस्तों। काजू कतली अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो बर्फी की तरह काट सकते हैं। ये जो हमारा साइड का पार्ट निकला है इसे भी आप इस तरीके से काट सकते हैं। पहले चाकू से आप निशान बना लें, सीधा काटने के बाद हम तिरछा काटेंगे इस तरीके से। तो मैं आपको एक नज़दीक से दिखाती चलूं। तो मैंने थोड़े बड़े पीस में कट किए हैं
और 250 ग्राम काजू में 4 कट लगाया है, आप चाहे तो 5 कट लगा के छोटे पीसेस भी काट सकते हैं। और ये जो किनारा जो बचा था इसे हमने स्क्वायर में कट कर लिया, तो वेस्टिंग भी कम हुई है। और ये जो साइड का पार्ट बचा है आप इसे फोल्ड करके लड्डूस बना सकते हैं या फिर इस तरीके से पेड़ा बना सकते हैं और ऊपर से सिल्वर फॉइल लगा दीजिए तो हमारी एक मिठाई तैयार हो जाएगी। तो 250 ग्राम काजू में हमने इतने सारे मिठाई तैयार किए। अगर आप स्क्वायर में काटिएगा ना दोस्तों तो कटिंग साइड की कम निकलेगी, लेकिन इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और कितनी सारी मिठाई बन चुकी है और बहुत सॉफ्ट बना है, मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ तो मुंह में जाते के साथ घुल जाएगा, बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। तो इस काजू कतली की परफेक्ट रेसिपी को जरूर ट्राई करें। दीपावली में काजू कतली नहीं खाया तो क्या खाया, ऐसी बात हो जाती है, सबको इतना भाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। बाय।